आम आदमी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर और एमसीडी शासित गफ्फार मार्केट के दुकानदारों को भाजपा द्वारा परेशान करने की जानकारी साझा की। जिन मार्केट्स के अंदर दुकानों को फ्री होल्ड कर देना चाहिए था, जहां पे 99 साल की लीज के लिए दुकानें दी गई थी, अब ये उन बिल्डिंग्स की सर्वे कराकर उसको डेंजरस दिखाकर वो मार्केट्स दुकानदारों से खाली करा रहे हैं, और खाली कराने के बाद भी दुकानदारों को ये कहा गया है कि अब ये दुकानें आपको नहीं मिलेंगी दोबारा, नए सिरे से नया कोई बिल्डर आके इनको अपनी तरफ से अपनी तरह से जो है नए लोगों को बेचेगा। तो ये मामला जो अभी आया है हमारे पास, ये गफ्फार मार्केट का आया है, वहाँ पे सरस्वती मार्ग पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक मार्केट है, जिसके अंदर 1976 के अंदर अलॉटमेंट किए गए थे और दुकानदारों को 99 साल की लीज पे ये दुकानें दी गई थी। अब 2021 के अंदर एमसीडी ने आईआईटी रुड़की से इसकी जांच कराई है और आईआईटी रुड़की खुद लिखता है घटिया ग्रेड का सीमेंट लगाने की वजह से ये बिल्डिंग के हालात अब ठीक नहीं है, और भी बिल्डिंग के अंदर काफ़ी खामियां हैं, जिसके कारण अब इस बिल्डिंग को एमसीडी कह रही है कि इसको अब दोबारा तोड़ के बनाया जाएगा। तो हमारे कुछ सवाल हैं इसके अंदर कि अगर इस घटिया ग्रेड के सीमेंट से बिल्डिंग बनाई गई तो ये गलती उन दुकानदारों की है जिन्होंने ये दुकानें खरीदी, या ये एमसीडी की है जिन्होंने इस घटिया बिल्डिंग को बनाया।